हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पहले तो मैं अपने सभी साथियों को और अपना जो ये यूट्यूब फैमिली है उन सभी को आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और दोस्तों, हमारी सभी की ये कोशिश हमेशा रहेगी कि हम अपने देश को एक ऊंचे लेवल पर ले जाया जाए और इसकी तरक्की में हम कहीं ना कहीं भागीदारी दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक स्पेशल ये वीडियो है जो आज बनने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करें जो एक ऐसी कंपनी है, जितना ज़्यादा ये स्टॉक नीचे आएगा आपको उतना ज़्यादा इसमें मौका बनाना है, मींस उतना ज़्यादा आपको बाय ऑन डिप्स इस स्टॉक में करनी है। पेनी स्टॉक है ये, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अपने रिस्क के हिसाब से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में तेज़ी भी भयंकर आती है और गिरावट भी भयंकर आती है। बट ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो काफ़ी मींस बड़ा ही शानदार डेब्ट फ्री है ये, सब इसकी बात करें, और बड़ी शानदार ये कंपनी अभी कामकाज कर रही है। तो चलिए, इस वीडियो में हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी, स्टॉक का नाम है तिलक वेंचर्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ये फाइनेंस और कॉमोडिटी एक्सचेंज और फाइनेंस सेक्टर में कामकाज करती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आपको ये कंपनी मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी ने अपने नंबर्स प्रेजेंट किए थे, वो नंबर्स भी मैंने यूट्यूब के इस एक वीडियो के द्वारा शेयर किए थे। अगर आपने नहीं देखे हो तो आज मैं उनको दोबारा बता दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में कि क्यों हमें इसमें बाय ऑन डिप्स क्यों हमें इसमें करना चाहिए और क्यों हमें इसमें गिरावट जब जब होती है तो उससे हमें क्यों एक मौका बनाकर आगे चलना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो चलिए, अभी आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की पिछली एक महीने की परफॉर्मेंस देखूं तो एक महीने वाले पैनिक में है, 15% डाउन है। 6 महीने वाले भी परेशान हैं, 30% डाउन है। बट एक साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 230% के रिटर्न्स हैं। बीच में एक लेवल आया था, आप यहाँ देख सकते हैं 38 का हाई लगाने के बाद स्टॉक वहाँ से, अगर मैं रफली कैलकुलेशन कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से अभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा मींस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट उसके बावजूद पिछले एक साल में इस कंपनी ने 229% के रिटर्न्स दिए हैं, जो अपने आप में बड़े शानदार रिटर्न्स हैं। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। 5 साल में लगभग 572%, आप ईयरली कैलकुलेट कर लेना दोस्तों, कितने शानदार 115% ईयरली जो है इसकी कैलकुलेशन बनती है। इतनी शानदार ये कंपनी है। बीच में तो इतनी भयंकर तेज़ी हमें, जब ये लेवल्स इसने छुए थे बड़ी शानदार तेज़ी आई थी, तब लग रहा था ये स्टॉक 50 को पार करेगा। बट उस समय बहुत से साथियों ने 30 प्लस पर इसको बाय किया होगा, कुछ ने 35 पे बाय किया होगा, कुछ ने 38 पर भी बाय किया है। वो साथी आज बड़े परेशान हैं, उनको लगता है कि ये कंपनी अब दोबारा उस लेवल पर नहीं जा सकती। तो चलिए, उनके भी डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अब चलते हैं हम इस कंपनी पे रीढ़ की हड्डी जो इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो वो स्टॉक आज नहीं तो कल भागेगा। तो चलिए अब हम फाइनेंशियल पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट कैप 108 करोड़ का है, मैंने पहले ही बताया था। रिस्क भी बहुत है, रिवार्ड भी बहुत है। 38 का हाई लगाया था, अभी वहाँ से कितने डिस्काउंटेड प्राइस पर है आप सीधा सीधा देख सकते हैं। अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स की नंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं, बीच में अगर 2 क्वार्टर्स में ये दोनों छोड़ दूँ तो उससे पहले भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, और अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है। अगर मैं पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स की बात करूं, आप यहां 2013 से देख सकते हैं, ये मेरे पास डेटा है। 2013 में आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट माइनस में था, यहां तक भी परफॉर्मेंस बेकार थी स्टॉक की। बट यहां से
पिछले 2-3 सालों में दिन गुजरे हैं, दिन बदले हैं और अभी जो है अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए ये तो हो गया अभी नंबर्स का सिलसिला, बट एक बड़ी शानदार जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है जो हर इन्वेस्टर को देखनी चाहिए, वो क्या है? प्रमोटर्स की होल्डिंग। देखिए दोस्तों, मार्च 2020 में 57.75% होल्डिंग होती थी, जो आज बढ़कर कितनी हो चुकी है? 62। मीन्स आप देख सकते हैं 5% के अप्रोक्स जो है प्रमोटर्स ने एक साल में हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये एक साइन देता है, इंडिकेशन देता है कि ये कंपनी में कुछ बड़ा इन फ्यूचर होने वाला है। और ये जो होल्डिंग है ये पब्लिक के पास पहले होती थी, पब्लिक से सीधा प्रमोटर्स ने बाय की है आप देख सकते हैं, और लोअर लेवल्स पर प्रमोटर्स इन चीज़ों को बाय करते हैं, फिर बड़ा प्रॉफिट ये कमाते हैं। अब मैं आपको बैलेंस शीट अगर दिखाऊं, आप देखोगे कितनी शानदार इस कंपनी की बैलेंस शीट है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। देखिए सबसे पहले अगर मैं रिजर्व्स की बात करूँ, आप देख सकते हैं रिजर्व्स 14 करोड़ के थे 5 साल पहले, फिर 11 करोड़ के हुए, फिर 11, फिर 12.5, और अभी जो है 31 करोड़ से ज़्यादा, 31.25 करोड़ के आसपास रिजर्व्स कंपनी के हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए आप, 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, कितनी शानदार ये कंपनी है। शॉर्ट टर्म में 2.38 मामूली सा कर्ज है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद कैश की बात करूँ कंपनी के पास, आप देख सकते हैं कितना शानदार 29.13 करोड़ का कैश अवेलेबल है, कितना बड़ा जंप कैश में दिखा है। उसके बाद एसेट्स आप देख सकते हैं, टोटल एसेट्स आप देखिए लगातार, मीन्स पहले जो 29 करोड़, 26, 27 और अब 51 करोड़, अभी जो है पिछले एक साल में इस कंपनी ने वाकई में ही बहुत शानदार मीन्स ग्रोथ दिखाई है। पिछले एक साल में कंपनी का जो मीन्स इनके वॉल्यूम्स हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखी है। इसके अलावा कंपनी के जो रिजर्व्स हैं उसमें बड़ी तेज़ी दिखी है, कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, और कंपनी ने पिछले 5 साल में जैसे मैंने आपको दिखाया 572% के रिटर्न्स भी दिए हैं, और ये रिटर्न्स 38 के हाई के बाद लगाने के बाद ये कैलकुलेट किए हैं। अगर उनसे पहले कैलकुलेट कर लेते तो वो रफली 1000% हो सकते थे, या 650% हो सकते थे। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है, इसमें पूरी काबिलियत है, नो डाउट पूरी काबिलियत है कि ये स्टॉक अभी 8 रुपये पर चल रहा है, यहाँ से अच्छे रिटर्न्स ये कमाकर दे सकता है। नंबर्स भी अच्छे आए हैं, प्रॉफिट में है, हालांकि सेल्स थोड़ी डाउन आई थी बट कंपनी प्रॉफिट में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी ये अपने प्रीवियस हाई मीन्स 38 पर ये अभी एक महीने में पहुँच जाएगा, 10 दिन में पहुँच जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट इस कंपनी में कैपेबिलिटी है, ये आगे चलकर अच्छा कर सकती है। दोस्तों ये यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स दिलाएगी, आप मेरी बात आज ये नोट करके रख लीजिए, 8 रुपये पर आपको ये मैं स्टॉक दिलवा रहा हूँ। जब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर याद कराऊँगा कि हमने ये स्टॉक आपको 8 रुपये पर दिलाया था। तो दोस्तों ये था आज की स्पेशल स्टॉक तिलक वेंचर्स लिमिटेड, कमाल का स्टॉक है, कमाल की कंपनी है। अगर आप इसमें लॉस में भी बैठे हैं तो आप थोड़ा और पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए, आपका लॉस रिकवर होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।